आज हम बनाएंगे अंडा सब्जी। सब्जी का मजा अंडे के साथ। तो आप भी एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको भी बस बहुत पसंद आएगा। इसके लिए हमने लिया काला चना, मटर और आलू। प्रेशर कुकर में डालकर इसको 2-3 सीटी देने तक उबाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। फिर लेंगे हम फ्राई पैन, इसमें डालेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे जीरा, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, इसको भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 प्याज कटी हुई, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2-3 लौंग डालेंगे, 2-3 इलायची डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, खड़े गर्म मसाले भी इसी टाइम डाल देंगे। इसको भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर, 2 टमाटर कटी हुई। फिर इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक। सबको मिलाकर ढककर मसाले भुनेंगे हम 5-7 मिनट। देखिए उबल चुका है आलू। आलू निकाल लेंगे। मटर और चना भी बिल्कुल पक गए हुए हैं। देखिए बिल्कुल पक गया हुआ है। अब मसाले, टमाटर, प्याज को अच्छे से हम मिला देंगे। ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। अब इसमें हमने जो उबाल रखा है आलू, चना और मटर डाल देंगे। आलू को अच्छे से मैश करके फिर डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और धनिया का पत्ता। डालकर ढक देंगे। अब लेंगे फ्राई पैन, उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और 1 छोटी सी मक्खन की टिक्की डालकर अंडे को फ्राई कर लेंगे। अंडे को हम एक सीख के सहारे उसमें हम हल्का हल्का छेद कर देंगे ताकि ये फटे ना, और इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब अंडा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हमने मसाला जो तैयार कर रखा था, आलू, चना और मटर का, वो इसमें डाल देंगे। फिर डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको करीबन 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट पकने के बाद तैयार है हमारा सब्जी अंडा। तो आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा बना। देखिए तैयार है, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक